हर एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट को आज रवि सिहाग का ये संघर्ष भरा और मोटिवेशनल से भरा स्टोरी जरूर सुनना चाहिए, जिससे आपको आईएएस यानी कि यूपीएससी के एग्जाम में एक अच्छा गाइडेंस और एक प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा। जब रवि सर ने अपना पहला यूपीएससी एग्जाम दिया तो उनका यूपीएससी तो क्रैक हुआ मगर उनको आईएएस नहीं मिला। लेकिन रवि सर भी क्या करे, अपनी गरीबी और आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने आईडीएएस यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस में जॉब को ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना दूसरा प्रयास 2019 में दिया और उनका रैंक 317 आया, लेकिन उनको इस बार भी जो है आईएएस पोस्ट नहीं मिला। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जॉब करते हुए इतना रैंक लाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर रवि सिहाग ने जो है अपना तीसरा प्रयास दिया, लेकिन इस बार उनका यूपीएससी में जो है क्रैक ही नहीं हुआ, यानी एग्ज़ाम ही नहीं निकला। आप समझ सकते हैं कि इस टाइम कैंडिडेट कितना टूट सकता है और अपने आप में कितना डिमोटिवेट हो सकता है। लेकिन फिर भी रवि सिहाग सर ने ठान लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है तो करना है, और आखिरकार अपने चौथे प्रयास में जो है पूरे भारत में यानी 2021 में जो है ऑल इंडिया रैंक 18 लाया, यानी 18 लाया, और वो भी हिंदी माध्यम से जो है उन्होंने पूरे भारत में टॉप किया। आप समझ सकते हैं कि हिंदी माध्यम से लगातार 3 अटेम्प्ट देने के बाद जो है इस कठिन एग्जाम यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में टिके रहना कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत मेहनत और संघर्ष भरा होगा। जब रवि सिहाग सर से पूछा गया कि आपने इतने कठिन परिस्थिति और इतने असफलताओं के बाद भी इतने बड़े एग्जाम को कैसे जो है क्लियर किया, तो रवि सिहाग का ये जवाब सुनकर के आपको जो है अपने लक्ष्य और यूपीएससी के प्रति एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। रवि सिहाग सर ने कहा कि बेशक जब इतने कठिन परिश्रम करने के बाद और रातों रातों जागने के बाद जब मेरा आईएएस के लिए सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मन में दुख हो रहा था, लेकिन मन में ये भी जरूर सोचता था कि आज अगर मैंने अपने कलम और किताब को रोक दिया तो कल के सवेरे में मैं उस सपने को सच में बदल नहीं पाऊंगा जो सपना मेरी माता और मेरे पिता ने मेरे लिए देखा है। हर समय ये सोचता था कि आज नहीं तो कल वो सवेरा जरूर आएगा जिसके लिए मैंने इतनी अंधेरी रातों को जाग कर काटा। मन में हमेशा डर रहता था, लेकिन उस डर को मैंने अपनी कलम की ताकत और अपने कठिन परिश्रम से हरा दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रवि सिहाग सर ने शुरू से लेके अंत तक जो है हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई की और आखिरकार हिंदी मीडियम से जो है यूपीएससी क्रैक कर आईएएस भी बने, और आज रवि सर ने इतना अच्छा रैंक लाकर उन सभी हिंदी मीडियम और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए एक जो है उत्साह और जो है एक अच्छा मोटिवेशन और मिसाल बन गए। तो दोस्तों रवि सिहाग सर के इस संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।